नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा लेमन का प्लांट है, आपको याद होगा हमने जब इसको लगाया था और उसके बाद मैंने इसकी कैसे केयर की थी इस पर भी मैं वीडियो डाल चुका हूं। और इस टाइम पे देखिए इसमें कितने सारे जो है फ्रूट्स लगे हुए हैं। मोस्टली सभी गार्डन के पास जो है लेमन का प्लांट होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी दोस्तों की क्वेरी ये आती है कि हमारे लेमन पर जो फ्रूट है वो नहीं आ रहे, या कुछ कहते हैं कि हमारे लेमन पर बहुत कम फ्रूट आ रहे हैं। देखिए नींबू का पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसकी देखभाल और उसके फलों का आने का इंतजार करना थोड़ा मुश्किल है। और नींबू में फल नहीं आने के कुछ कारण हो सकते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके नींबू पर भी ढेर सारी फ्रूटिंग होगी, जैसे कि मेरे इस नींबू पर आप देख सकते हैं। नंबर एक, प्लांट एज। मोस्टली क्वेरी जब आती है मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने बीज कैसे, आपने प्लांट कैसे लगाया था, तो वो बताते हैं कि हमने इसको बीज से ग्रो किया है। और मोस्टली मैंने देखा है बीज से ग्रो करते हैं, क्योंकि नींबू जब हम घर में यूज़ करते हैं तो उसको बीज को ऐसे गमलों में डाल देते हैं और वो ईजिली ग्रो हो जाते हैं। लेकिन कोई भी प्लांट है जब आप उसको बीज से लगाते हैं तो उसका एक एज होता है, यानी कि वो उस एज पर जाकर जो है फ्रूटिंग स्टार्ट करता है। हर प्लांट की एज का टाइम जो है अलग अलग होता है, जैसे कि अमरूद और अनार का मैंने देखा है 3 से 4 साल में जो है फ्रूटिंग देने स्टार्ट कर देते हैं, जबकि नींबू जो है ये मोस्टली जो मैंने देखा है कि 5 से 6 साल लेते हैं जो बीज से हम लगाते हैं वो नींबू। और जामुन और आम जो है ये 8 से 10 साल तक ले लेते हैं बीज से जब हम लगाते हैं तो फ्रूटिंग करने में। तो अगर आपने कोई नींबू ऐसा है जो आपने बीज से लगाया है तो उसमें अगर फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसकी जो एज है वो अभी नहीं हुई है फ्रूटिंग के लिए। तो आप बस उसकी केयर करते रहिए, जैसे ही उसकी एज कंप्लीट होगी वो फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देगा। नंबर दो, न्यूट्रिएंट्स। अगर आपका पौधा ग्राफ्टेड है या उसकी एज जो है वो भी काफ़ी हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो उसका एक जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि उसको जो है पूरे आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल रही, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसके अंदर। लेमन के प्लांट में जो है अगर आप अच्छे से उसको फर्टिलाइज करेंगे, अच्छे से उसको खाद पानी देंगे, तो उसमें जो है अच्छे से फ्रूटिंग भी होगी। मेरे इस लेमन में मैं हर साल जो है अच्छे से जो है खाद देता हूँ, और मेरा जो खाद का मिक्सचर है वो है नीम खली, बोन मील और जो कंपोस्ट है ये मिक्स करता हूँ, और उसमें जो है DAP के कुछ दाने डाल देता हूँ, और ये चीज़ें जो है मैं मिक्स करके अपने पौधे में देता हूँ, जिससे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। दोस्तों कहते हैं कि लेमन में जो है कम से कम साल में 4 बार जो है फर्टिलाइज़र करना चाहिए। नंबर तीन, वेदर। देखिए मौसम का भी जो है नींबू के पेड़ पे बहुत असर पड़ता है। मौसम ख़राब होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके प्लांट पर फ्रूट जो है वो अच्छे से नहीं बन पाते, जैसे कि इस बार जो है गर्मियों में अमरूद और नींबू पर मेरे यहाँ पे जो है फ्रूटिंग बहुत ही कम हुई है, ना के बराबर हुई है। हालांकि अमरूद की फ्रूटिंग जब गर्मियों में नहीं हुई है तो उसकी बजाय इस बार जो है विंटर में काफ़ी अच्छे फ्रूट आए हैं, लेकिन गर्मियों में जो है फ्रूटिंग नहीं हो पाई। सेम ऐसे ही जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होगी या जरूरत से ज्यादा बारिश होगी या जरूरत से ज्यादा ठंड होगी तो भी जो है प्लांट को जो है फ्रूटिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नींबू के पौधे को आप ऐसी जगह पर रखिए अगर आपका गमले में है तो भी, और अगर आप वैसे लगाते हैं तो भी, उसको कम से कम 6 घंटे की धूप जरूर दें, तभी उस पर जो है अच्छे से फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। नंबर चार, वाटरिंग। देखिए नींबू का पेड़ अगर आपने ज़मीन में लगा रखा है तो पानी की इतनी समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि जब आप ज़मीन में लगाते हैं उसको पानी देते हैं तो क्या पानी एक्स्ट्रा होगा तो नीचे ज़मीन में चला जाता है, कम होता है तो जड़ के थोड़ा सा नीचे जाके जो है नमी से ले लेती है, तो वो इतनी जल्दी प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आपको पानी का खास ध्यान रखना होगा। अगर आपने पानी ज़्यादा दिया तो भी प्लांट को प्रॉब्लम होगी, और बिल्कुल कम दिया तो भी प्लांट को प्रॉब्लम होगी। आपको चेक करना है कि अगर सॉइल में नमी है तो उसको पानी ना दे। जब टॉप सॉइल जो है ऊपर की सतह जो है वो 1 इंच तक अगर सूख जाए तो आप उसको पानी अच्छे से दे सकते हैं। नंबर पाँच, प्रूनिंग। देखिए नींबू के पौधे की कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। नींबू की जो सूखी ब्रांच होती है खासकर आप उनको जरूर रिमूव कर दें, अदरवाइज वो जो है बाकी जो ब्रांच है उनको भी सुखाती चली जाएगी, धीरे धीरे ये चीज़ जो है बढ़ती जाएगी। तो इसकी जो सूखी ब्रांच है उसको कट करके निकाल दें। ऊपर की जो ब्रांच होती है उनकी आप चाहे तो कटिंग करके प्लांट की जो शेप है वो भी बनाए रख सकते हैं। दोस्तों ये सब टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके नींबू में भी मेरे इस नींबू की तरह ढेर सारे नींबू लगेंगे।
नींबू की जो है बहुत सी किस्में आती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है देसी कागजी नींबू जो होता है वो माना जाता है। मेरा ये प्लांट जो है ये भी कागजी नींबू है। इसका जो छिलका है बहुत ही पतला है और इसमें रस बहुत ज़्यादा है। जो देसी नींबू होते हैं उसका जो खट्टापन है वो सबसे बेस्ट होता है। बाकी जो मेरे पास जो पहाड़ी नींबू है और जो बड़े बीज जो बिना बीज वाला नींबू है, इनका जो टेस्ट है वो इतना खट्टा नहीं है। वो अचार के लिए तो अच्छे हैं लेकिन उसमें खट्टापन कम होता है। एक पोलिनेशन का भी बहुत महत्व होता है इस चीज़ में कि आपकी फ्रूटिंग कैसी हो रही है। तो नींबू पर जो है मधुमक्खियाँ जब बैठती है तभी अच्छा पोलिनेशन होता है। इसी वजह से कुछ लोग जो है शहद को पानी में घोलकर उसका स्प्रे कर देते हैं ताकि जो मधुमक्खी है वो आए प्लांट पर। दोस्तों आपके गार्डन में कौन सी वैरायटी का लेमन लगा हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।